मलाक को देखिए, मलाक ने आज कैसी ड्रेसिंग की हुई है। मोना दाल में मैं भी हरा धनिया डालने लगी हूँ। अपना दस्तरखान लगाते हैं। ये खाने की ड्यूटी लगी हुई है, खाना पानी देने की। काफ़ी दिन हो गए थे कि मैंने बेडशीट चेंज नहीं की थी। रोज़ मैं डेली यही कहती हूँ कि आज करूँगी, बस बिजी इतना हो जाती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। तो आज जैसे हम आए हैं वापस, मैंने कहा पहले मैंने ना ये काम करें, बेडशीट चेंज करनी, उसके बाद मैं कोई और काम करूँगी। पहले मैं पिल्लो पे कवर लगा देती हूँ। मैं अभी सहरी की तैयारी करने लगी हूँ। सालन वगैरह कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा चले मैं अभी आलू बना लेती हूँ। तो ज्यादा तो नहीं, बस थोड़े से मैंने यहाँ पर कट किए हैं, जो कि अभी हम खाना खा लें। फिर जाहिर है फिर अफ्तार के लिए तो और ही खाना बनेगा। हस्बैंड बाहर गए थे कहीं काम से, तो जैसे हैं तो उन्होंने कहा मुझे ऑरेंज कट करके दो। ऑरेंज कट हो गए, अभी बस लेकर जा रही हूँ मैं उनके पास रूम में। मलाक को देखिए, मलाक ने आज कैसी ड्रेसिंग की हुई है। मोना ने उठा के ना इसे मुस्तफा की शर्ट पहना दिए। लग कैसी रही मलाक को? इसके साथ हंसी मजाक के लिए ना उसने इसे शर्ट पहना दी। आज मैं जा रही हूँ अपने ऑरेंज खाने। आज आपके पापा के पास जा रही हूँ। आज चाहिए, आपको चाहिए तो आ जाओ ना मम्मा के पीछे पीछे। छोटा सा जादू, मम्मा का जादू। ये देखें इस जादू को, ये जादू आ गया आपके पास। ये पकड़ें, इसने भी आपके साथ ही खाना है। छोटा सा जादू हमारा। आखो पापा के पास, पापा के पास। ये देख, मोना ने इसे पहना दी इसके साथ हंसी मजाक के लिए ना। कब से सारे इसको देख देख के खुश हो रहे हैं। बाय बाय मम्मा, जा रही है। बाय बाय। मैं इसको छोड़कर आई थी कि ये अंदर बैठे, ये मुझसे पहले ये बाहर आ गई। ये बच्ची, ये शरारती बच्ची। मैंने क्या कहा था आपको? पता है ना कि यहाँ पे बैठ के इसने खाना है। देखो आपके पापा भी बाहर आ गए आपके पीछे पीछे कि मलाक को आइए तो मैं क्यों ना हूँ। चले मैं जल्दी से अपना काम करूँ, इनके चक्कर में मुझे अपने काम से ना देर हो जाए, क्योंकि सहरी का टाइम होने वाला है। पर हमारी मजे की ना आलू की सब्जी बनके तैयार होगी। सहरी हमारी बन गई, तो तकरीबन कितना आधा घंटा लगे, कितना टाइम लगे भाभी? 40 मिनट बाकी रहते हैं। आज मेरा को यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और बस जल्दी जल्दी से लगाते हैं दस्तरखान, ताकि सुकून से हम खाना खा लें, चाय भी पी लें। ये पकड़ा इधर साथ रखे मलाक, इसके हाथ में हमारे में प्लेट्स लेकर रखती हूँ। आप कैसे जाती है हर जगह, पहुँच कैसे जाती है? जो मुख्य ऑफिस साइड से ये मलाक ने बिस्किट खा के फेंक के ना नीचे। क्या किया मलाक को आपने? खा खा के नीचे फेंक के रखे हो? ये खुशी किस चीज की है? फिर आज मलाक ने और मुस्तफा ने चोरी कर ली, तमन्ना की बिस्किट चोरी कर ली है ना, और दोनों की चोरी पकड़ी गई से जीता। मैं कहा कि मलाक पहुंच गए अपने पापा के पास, मस्ती शुरू हो गई। क्या खाया? मैं दही खाई है। मुस्तफा क्या है ये? बात करिए आपके साथ, देखो बकरी बकरी बकरी, चार दांतों वाली बकरी, चार दांतों वाली बकरी आ रही है। अभी बोलती रहेगी, खाना मांग रही है। मलाक को भैया क्या बोल रहे हैं आपको? बस मेरा फकीर बच्चा, फकीर बच्चा। आज इसने जो शर्ट पहनी है ना, उस सब सभी से फकीर बोल रहे हैं। और ये मोना के काम है, ये इसके साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। खाना खा लिया और चाय भी हमारी बन गई है, तो चाय मैं अभी लेकर जा रही हूँ। ले जाओ। तो हरकतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ले जाओ, ले जाओ, जाओ। ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। जा सकते हो आप? जाओ जाओ, ले जाओ। चले आप चाय ले जाओ। टाइम हो रहा है तकरीबन 11:25 और अभी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि जुमा का दिन है, जुमा नमाज की तैयारी हो रही है और हमें जुमा नमाज पे जाना है।
मलाक के, मुस्तफ़ा के और हानिया के कपड़े मैं भी आयरन करने लगी हूँ। हवा इतनी ठंडी चल रही है, इतनी जबरदस्त मौसम बना हुआ है आज माशाल्लाह। बाहर का बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही है। जुम्मा का दिन है तो माशाल्लाह जुम्मा के दिन में अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल हो रही है। अच्छी नहीं लग रही आपको? नहीं, ब्लू वाला डाल। ब्लू वाला खत्म हो गया, अभी हम ये नया लेकर आए हैं ना रमजान में। पहले से ज्यादा अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है अभी, क्योंकि अभी वो बिखर रही है ना उसकी खुशबू, इसलिए अच्छी लग रही है आपको। खिड़की भी बंद कर दो, खिड़की से बाहर जाए। कोई बात नहीं, जाने दो, खिड़की खुली रहे। प्यारा कुकू क्या हुआ, परेशान बैठे हो? मुलाको उठी नहीं है, नहीं तो आ जाती आपके पास अभी तक। वो मुलाको नहा के आ गई फ्रेश होके। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम हरम चलना है अपने। चलिए अभी हम तैयार हो गए और मैंने जायनमाज भी उठा लिए। पकड़े मैं लेकर आती हूँ दूसरी, ये ले। माशाल्लाह से आसमान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चलें अभी हम आ गए हैं बाहर और जुमा नमाज पर जा रहे हैं। अभी कहाँ जाना है, मस्जिद नबी जाना है या साथ इधर शहदा पे? मस्जिद नबी जाएंगे, पहला जुमा है रमदान करीम का और बहुत ही बाबरकत वाला रहमतों भरा महीना चल रहा है। जाहिर है तो जुम्मा की तो वैसे भी नॉर्मल डे में भी जुम्मा की इतनी बरकतें होती है, इतनी रहमतें होती है कि आगे पीछे जो है नमाज किसी की भी मिस हो जाती, कहते नहीं जुम्मा के दिन तो हमने जरूर पढ़नी। तो माशाल्लाह जुम्मा के दिन की बरकत, जुम्मा के दिन की रहमतें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबके हक में नसीब फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे। और इंशाल्लाह मेरे जो बहन भाई जो भी मुझे देखते हैं और मुझे दुआ कर कहते हैं, इंशाल्लाह आप सबके लिए बहुत सारे दिल से दुआएं और अल्लाह पाक आप सबको तौफीक दे यहाँ पर आने की और ये खूबसूरत मनाजर, ये खूबसूरत ज़ियारत, आपको रोज़ा यहाँ पर अफ्तार करने की, उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बा। पहला जुमा तो पहले जुमा को ज़ाहिर बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच गए हैं मस्जिद नबी, हम नहीं मैं पहुंच गई हूं, क्योंकि हस्बैंड चले गए हैं, पार्किंग की जगह नहीं मिली उन्हें। और यहां से व्यू देखिए इतना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। अभी मैं पहुंच गई हूँ लेडीज साइड से, लेकिन दरवाजों के बाहर है, हम अभी दरवाजों के अंदर नहीं है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। इस साइड से भी देखें और इस साइड से भी, यहीं सामने मैं जाय नमाज बिछाती हूँ, यहीं पर नमाज पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद मैं जाऊँगी अंदर मस्जिद नबी, फिर वहाँ पर कुरान पढ़ेंगे। माशाल्लाह से देखें अल्लाह पाक ने रहमत बना दी है रोज़ेदारों के लिए, आसमान पर बादल छा गए हैं, बिल्कुल धूप नहीं है। गाड़ी में पार्किंग लेना, यहाँ पर अभी हम फंसे हुए हैं, पता नहीं अभी यहाँ से निकलते निकलते कितना टाइम लग जाएगा। 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम आके घर पहुँच गए हैं, अभी तकरीबन 2:10 हो गए हैं, ऐसा टाइम हो गया। मुझे जो टेंशन है ना वो ज़्यादा ये होती है अफ्तार तो मुझे देर ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है हमें पैकिंग करनी होती है, बच्चों को तैयार करना होता है, फिर मस्जिद नबी जाके हमें रोज़ा अफ्तार करना होता है।
इफ्तार में मैं दाल चावल बना रही हूँ क्योंकि आज हम मस्जिद नबी जाएंगे, आज जुमा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम दाल चावल बना रही हूँ। दाल भी तुम्हें ऑलरेडी बन चुकी है। और यहाँ पे मोना के बन रहे हैं समोसे। मोना ने समोसे फ्रीज करके रखे हुए थे तो वही बस डेली फ्राई कर लेती है। मुझे तो टाइम नहीं मिला था समोसे फ्रीज करने का, लेकिन मोना ने कर लिए थे, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई थी वीडियो में। माशाल्लाह डेली मोना इफ्तार के लिए ना फ्राई कर लेती है। दाल में मैं भी हरा धनिया डालने लगी हूँ। दाल मेरी बनके तैयार हो गई है और चावल भी मैंने चढ़ा दिए हैं। और मुस्तफ़ा माशाल्लाह असर की नमाज अभी पढ़ रहे हैं, असर की अजान हुई है अभी अभी। ढक्कन मैं यहाँ पे रख देती हूँ और इसको कर देते हैं हम एक साइड पे ताकि इसको हवा लगे और ये थोड़ी ठंडी हो जाए। पहनेंगे मैंने अपना एक कार बात बतानी है। क्या बात बताओगी? पता है के जन्नत भी होती है साथ में जूती भी। अच्छा। वो मारने के लिए। ये क्या देखा आपने? शॉट देखा है ना आपने? वो ऐसे हाँ मारने के लिए होती है। हाँ ये मैंने शॉट देखा था। माशाल्लाह आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है। आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सारे अभी हम आ गए हैं बाहर तैयार होके और माशाल्लाह मौसम इतना खूबसूरत हो गया है ना कि बार बार मेरा दिल करे कि बस मैं आसमान को ही देखती हूँ। इतना प्यारा लग रहा है आसमान। गाड़ी में सारे बैठ गए, बस मैं भी अभी बैठने लगी हूँ। आज मलाक आना है मम्मा के पास। कहाँ है मलाक? पीछे चली गई है मलाक। बाय बाय। अभी हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मस्जिद नबी के सामने है। यहाँ पर सामने देखिए इतनी खूबसूरत मस्जिद नबी के मीनार नजर आ रहे हैं। यहाँ से इस साइड पे सारे दस्तरखान लगे हुए हैं बिल्कुल दरवाजे के बाहर। ये देखिए ये दरवाजा है, मेन डोर है मस्जिद नबी का, और इस साइड पे सारे दस्तरखान लगे हुए हैं। वैसे अंदर मस्जिद नबी के अंदर भी दस्तरखान होते हैं और मस्जिद नबी के बाहर भी शहर में भी दस्तरखान होते हैं। चले अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मेन गेट से एंटर होने वाले हैं। बेशक अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के फरिश्ते हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों आप भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला नबीना मोहम्मद। यहाँ से अभी हम जा रहे हैं अपनी जगह की तरफ जहाँ पर हम बैठे थे। कल तो खैर हम गए थे शहदा और उससे पहले जो एक दिन हम आए थे पहले दिन हमने यहाँ पर लगाया दस्तरखान, उसी साइड पे अभी हम जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से ना रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने दिखता है। अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर और ये देखिए यहाँ से दिख रहा है गुंबद खिदरा माशाल्लाह।
खाना जो हमने बांटना था वो बांट लिया, बस अभी हम अपना दस्तरखान लगा रहे हैं। यहाँ पर आज ना मलाक के ऊपर दाल गिर गई, ये शुक्र है कि दाल जो है ना वो देखी गर्म नहीं थी। जो ना दो दो ऐसे देती हो जाओ। मैं भी कहवा पीने लगी हूँ और बस हमने अपना सामान वगैरह भी सारा जो है ना वो यहाँ से पैक कर दिया और बस अभी हम जा रहे हैं घर। वैसे बैठना तो था थोड़ी देर हमें, तो चाचू की ना कॉल आ गई है कि जब वो गए होते ना उमरा पे कल, हम उन्हें छोड़ने भी आए थे बस स्टेशन, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उमरा कर लिया है जो वो पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए उनको भी जाकर पिक करना है। हाँ जी बस स्टेशन पे चलेंगे ना। आपने जाना है, आपने पिक करना है, तो जैसे अभी हमने रोज़ा खोला, रोज़ा खोलने के बाद नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद नंबर की कॉल आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने ना उमरा कर लिया, कंप्लीट कर दिया। कल हम उन्हें छोड़ने गए थे बस स्टेशन, तो पहुँच गए, जुमा भी उन्होंने वहीं पर अदा किया है और उमरा भी कर लिया है, तो अभी वो पहुँचने वाले हैं, तो इसलिए हम यहाँ से जल्दी निकल रहे हैं। चाचू अभी आ गए उमरा से, तो अभी मैंने उनके लिए खाना गर्म किया है कि जल्दी से मैंने कहा उनको दे दूं क्योंकि ये काफ़ी थके हुए आए हैं, तो पता नहीं खाना भी उन्होंने रास्ते में ठीक से खाया कि नहीं खाया। हाँ नीचे करो, नीचे करो, यहाँ पर नीचे करो, हाँ ऐसे चलो। चाचू को खाना दे दिया तो अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। ये हानिया की ड्यूटी लगी हुई है खाना पानी देने की। अब्बू को जाओ आराम सुकून से देकर आ जाओ।